का झंडा फहराने वाली आसिया द्राबी जेल से हुई रिहा। कश्मीर की अलगावादी नेत्री आसिया द्राबी से पब्लिक सेफ्टी एक्ट हटाकर रिहा कर दिया गया है। आसिया द्राबी न केवल पाकिस्तान का झंडा फहरा चुकी हैं, बल्कि समर्थकों के साथ श्रीनगर में पाक का राष्ट्रगान भी गा चुकी हैं। इस मामले में उस पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था। आसिया द्राबी हुर्रियत की महिला विंग दुख-ए-तेहरान मिल्लत की चीफ है। श्रीनगर के अपटाउन संत नगर इलाके में जम्मू कश्मीर बैंक के एटीएम गार्ड की बहादुरी से लूट की कोशिश नाकाम हो गई। घटना गत रात की है। शब्बीर अहमद चौपान नामक एटीएम गार्ड ने दो लोगों के साथ अकेले लड़ा और एटीएम की लूट को नाकाम कर दिया। कश्मीर संभाग के पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी मुनीर अहमद खान ने आज कहा कि आतंकी विरोधी मोर्चे पर सुरक्षा बलों द्वारा सफल हस्तक्षेप के बाद स्थानीय आतंकी छिप गए हैं और उनकी जगह विदेशी आतंकियों ने ले ली है। हालांकि उन्होंने कहा कि विदेशी आतंकी अब घाटी में अपनी मौजूदगी को दिखाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उत्तर कश्मीर में सीमावर्ती कुपवाड़ा जिला के हंदवाड़ा इलाके में डिग्री कॉलेज में बुधवार को सुरक्षा बलों और छात्रों के बीच झड़पें हुई। अलगाववादी नेता मीरवायाज ने केंद्र से वार्ता को इनकार करते हुए कहा कि कश्मीर में जो मौजूदा हालात हैं वो बातचीत के लिए उचित नहीं। जम्मू कश्मीर के शहरी विकास विभाग का कार्यभार संभाल रहे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह केंद्र सरकार की अमृत योजना अटल मिशन के तहत जम्मू के लिए 206.15 करोड़ रुपए की राशि लाने में कामयाब रहे। ये राशि जम्मू में शहरी परिवहन, ग्रीन स्पेस, ड्रेनेज और सीवरेज आदि परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी। ये कहना है डॉक्टर निर्मल सिंह का। दोमाना पुलिस ने युवती की शिकायत के आधार पर एक युवक के खिलाफ धोखाधड़ी व दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी युवक ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।